समाजवादी पार्टी की सरकार थी, किस नाम से जानी जाती थी, गुंडों की सरकार। आपने जिक्र किया कुशीनगर, समाजवादी पार्टी के गुंडों ने इस तरह किया है। जांच हुई, एडीजी ने जांच किया, डीआईजी ने उसमें, डीजीपी ने उसमें इन्वॉल्व है, सब लोग लगे हुए हैं। एसपी वहां आकर खुल के बयान देता है, जब नाम आता है किसका, राजाराम यादव का। सेट होने के बाद मत हिलाया करो, समाजवादी पार्टी का नेता है। अगर इस बात को कहें तब बुरा लगेगा सपा के लोगों को। आपके बेटे में जो हमला हुआ सपा ने करवाया, सपा गुंडों ने किया, समाजवादी पार्टी के नेता उसमें इन्वॉल्व है, क्या कहा जाए उसको। मंत्री एक सवाल है, अखिलेश यादव जी ने कहा कि आप ज्यादा ना बोले नहीं तो एक दो विधायक भी नहीं बचेंगे आपके। सितंबर 2013 सामाजिक न्याय के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया उत्तर प्रदेश सरकार को कि जो 27% रिजर्वेशन का लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं इसको बांट करके सबको दिया जाए। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। हम किसको कहें, योगी जी को कहें कि मायावती जी को कहें कि सोनिया जी को कहें कि कल्याण, किसको हम कहें? हम तो नाम लेंगे, तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसी को ना कहेंगे। 13 सितंबर 2013 को फिर हाईकोर्ट ने एक आदेश उत्तर प्रदेश सरकार को दिया कि प्रदेश में एक समान शिक्षा लागू किया जाए। आप लोग इतने पिछड़े दलित के हितैषी थे, आज चिल्ला रहे हो, तो जब हाईकोर्ट ने आदेश दिया तो आप एक समान शिक्षा क्यों नहीं लागू कर दिए? ये अगर कहना गुनाह है तो मैं बार बार इस बात को कहूँगा, जब 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 4 बार के सरकार में बड़े पैमाने पर 18% लोग मुसलमान दिए। चलो हमने मान लिया कि राजभर नहीं दिया, पटेल नहीं दिया, बिंद की वोट मल्ला निषाद नहीं दिया, आर अगर बंसी बंजारा भेलिया खंगार नहीं दिया, लेकिन जो दिया उसके लिए आपने क्या किया? डिप्टी सीएम भी तो मुसलमान को बनाने की सोच नहीं आई, 4-4 बार सरकार बनी, कभी सोचा उनके विषय में? इतना डेवलप किया आप लोगों ने मिल करके, इतना बुरा लग रहा है, इतना डेवलप किया कि आज़ादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था। कांग्रेस ने विकास किया, सपा ने विकास किया, बसपा ने इतना तेज विकास किया कि आज 1% नहीं रह गए हैं। ये कहना हम लोगों को बुरा लग रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, किस नाम से जानी जाती थी, गुंडों की सरकार। आपने जिक्र किया कुशीनगर, समाजवादी पार्टी के गुंडों ने इस तरह किया है। जाँच हुई, एडीजी ने जांच किया, डीआईजी ने उसमें, डीजीपी ने उसमें इन्वॉल्व है, सब लोग लगे हुए हैं। एसपी वहां आकर खुल के बयान देता है, जब नाम आता है किसका, राजाराम यादव का। सेट होने के बाद मत हिलाया करो, समाजवादी पार्टी का नेता है। अगर इस बात को कहें तब बुरा लगेगा सपा के लोगों को। सपा के सारे नेता कुशीनगर के उसको बचाने में लगे हैं, क्यों नाम निकलवाया उसका? जब अपराधी अपराध करता है तो आप उसकी क्यों मदद करते हो? इसका मतलब आप गुंडों को संरक्षण देते हो, ये कहना बुरा है। और क्या कहें, स्वामी प्रसाद मौर्या जी तो मजा लिए, 4 बार मंत्री रहे बसपा में, और उसके बाद दाव लगाए कहाँ, भाजपा में। क्या कहें, जैसे कि आपके बेटे में जो हमला हुआ सपा ने करवाया, सपा गुंडों ने किया, समाजवादी पार्टी के नेता उसमें इन्वॉल्व है, क्या कहा जाए उसको? समाजवादी पार्टी थोड़ा हम कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता इन्वॉल्व है, हमें सामने हम दे दें, क्यों छुड़ा है उनको, उनकी सिफारिश क्यों हो रही है? एक सवाल और है, ये बहुत चर्चा है कि आप मंत्री बन रहे हैं। ये तो 22 के पहले भी चर्चा थी। नहीं, नहीं, ये हम तो यहाँ, हम जब भी यहाँ आते हैं ना तो बड़ी चर्चा होती है, यही नहीं पूरे प्रदेश में, देश में चर्चा होती है, लेकिन राजा को पता नहीं मुशहरा बन पानी थी। अभी हमारी किसी नेता से किसी तरह से कोई बात नहीं। इसके लिए हमने 7 अक्टूबर की तारीख तय की है, गांधी मैदान पटना बिहार में हम वंचित शोषित जागरण महारैली करेंगे। उसके पहले इधर जो समय मिलेगा 2 महीना, इसमें हम नेताओं से बात शुरू करेंगे। यहाँ मंत्री बनने की चर्चा उत्तर प्रदेश, अरे यहाँ उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम बिहार की थोड़ा बात कर रहे हैं। हम अपना आंदोलन चला रहे हैं, आज जैसे संगठन की समीक्षा यहाँ हो रही है, कल मैं बनारस था, आजमगढ़ था, मऊ था, बलिया था, तो उधर सब हम लोग अपने संगठन को ठीक कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। अभी सच सही बात तो ये है, ना हमारी किसी दल से बात है समझौते को लेकर के, ना मंत्री बन, रोज तो हम तो यहाँ तक देखे कि 8 तारीख को शपथ दिला दिए लोग। मंत्री एक सवाल है, अखिलेश यादव जी ने कहा कि आप ज़्यादा ना बोले नहीं तो एक दो विधायक भी नहीं बचेंगे आपके। देखिए, अब इस पे अगर हम कहें तो बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को गुंडागर्दी करके, यहीं इसी जिले के विधायक हैं राजभर जी, काम करके कौन ले गया था पूछ लीजिएगा, वही उन्हीं का बयान था
कि समाजवादी पार्टी के गुंडों ने टांग करके हमको ले गए वीवीआईपी गेस्ट हाउस से। भूल गए वो दिन कहा अखिलेश यादव? आज बयान दे रहे हैं, इसी नाते समाजवादी पार्टी की सरकार को लोग गुंडों की सरकार कहते थे।